जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कोठारी इंस्टीट्यूट। मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स कोडे सेशन में। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। निम्न में से कौन सा राज्य हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून CEA को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है केरल। याचिका सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और अन्य राज्यों के बीच सहमति बनने पर सुनवाई करने का देने का अधिकार देने वाला अनुच्छेद 131 के तहत दायर की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले केरल विधानसभा CEA के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस कानून के खिलाफ करीब 60 याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है, जो अभी तक लगभग बढ़कर 144 हो गई है। CEA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार ने कहा कि यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 के साथ धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति को देशद्रोह को दोषी मानकर उन्हें मौत की सजा सुनाने वाली विशेष अदालत के गठन को असंवैधानिक करार दिया है? ऑप्शन है परवेज मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी, मनमून हुसैन, वसीम सज्जाद। तो इसका सही जवाब है परवेज मुशर्रफ। फैसले के खिलाफ मुशर्रफ की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाया कि मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कानून के अनुसार तैयार नहीं किया गया था। मुशर्रफ को इस मामले में विशेष अदालत ने 17 दिसंबर 2019 को मौत की सजा सुनाई थी। यह मामला 2013 में तत्कालीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी PML नवाज सरकार द्वारा दायर कराया गया था। मुशर्रफ ने अपनी याचिका में लाहौर हाई कोर्ट से आग्रह किया कि वह संविधान के प्रावधान के खिलाफ होने के कारण विशेष अदालत के फैसले को रद्द करे। परवेज मुशर्रफ ने ही जिम्मेदार हैं भारत और पाकिस्तान के कारगिल युद्ध के लिए। उन्होंने उस टाइम के निवर्तमान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बिना बताए भारत में के क्षेत्र में अपने घुसपैठी भेज दिए थे। और बाद में 26 जुलाई 1999 को भारत ने पूरी तरह पाकिस्तान को खदेड़ा अपनी ज़मीन से, और उसी दिन को हम हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 14 जनवरी, 12 जनवरी, 10 जनवरी, 2 जनवरी। तो इसका सही जवाब है 12 जनवरी। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के भविष्य माने जाने वाले युवाओं में तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय युवा दिवस को पहली बार वर्ष 1985 में मनाया गया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी जो कि हुगली कलकत्ता के पास ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में ICC द्वारा किसे वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, बेन स्टोक्स, पैट कमिंस। तो इसका सही जवाब है बेन स्टोक्स। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC जिसका मुख्यालय दुबई में है ने 15 जनवरी 2020 को 2019 के पुरस्कारों की घोषणा की। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक को ICC का 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। विराट कोहली को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड के लिए चुना गया, जबकि रोहित शर्मा को सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर चुना गया। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुना गया। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शन है JP त्यागी, AP माहेश्वरी, RR रॉड्रिक्स, विमल मनुजा। तो उसका सही जवाब है AP माहेश्वरी। सीनियर IPS अधिकारी AP माहेश्वरी को हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया। वर्ष 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी माहेश्वरी वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा है। वे 28 फरवरी 2021 तक CRPF की कमान संभालेंगे। CRPF भारत का अग्रणी आंतरिक सुरक्षा बल है जो 3.25 लाख से ज्यादा कर्मियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल भी है। क्वेश्चन नंबर छठवां, हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी यानी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 6वीं बैठक का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। इस बैठक में द्वीपों का समग्र विकास हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड कार्यक्रम के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्र सरकार ने भारतीय द्वीपों के विकास के लिए 1 जून 2017 को द्वीप विकास एजेंसी का गठन किया था। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। देश में पहली बार द्वीपों के सतत विकास की पहल द्वीप विकास एजेंसी के मार्गदर्शन में की जा रही है। हमारे देश के गृह मंत्री वर्तमान में अमित शाह हैं, जिनका लोकसभा संसदीय क्षेत्र गुजरात के अहमदाबाद शहर है। क्वेश्चन नंबर सात, किस राज्य सरकार ने कुशल और प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए उद्देश्य से रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन है पंजाब सरकार, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार। तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ सरकार। इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से विकसित किया गया है। इस ऐप के जरिए प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को
रोजगार मिलने में सहूलियत हो गई है। अब छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित 705 पाठ्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित 7 लाख छात्रों को लाभ पहुँचाएगा। इस ऐप के माध्यम से कोई भी संस्था और व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की जानकारी पोस्ट कर सकता है। चलते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन है कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी। इसका सही जवाब है लखनऊ। लखनऊ में 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने स्वागत भाषण में सम्मेलन को शुरुआत किया। सम्मेलन में देश भर से लगभग 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार सीपीए इंडिया रीजन के सम्मेलन की मेजबानी का अवसर मिला है। सीपीए इंडिया जोन का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। इस सम्मेलन की थीम है जनप्रतिनिधियों की भूमिका। देश के वर्तमान रक्षा मंत्री लखनऊ से ही लोकसभा सांसद हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जाति एकता विधेयक पारित किया? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत। तो इसका सही जवाब है तिब्बत। तिब्बत पीपल्स कांग्रेस ने हाल ही में जाति एकता को अनिवार्य करने वाला एक विधेयक पारित किया जिसे 1 मई 2020 से लागू किया जाएगा। इस विधेयक में कहा गया है कि चीन प्राचीन समय से ही तिब्बत का भिन्न अंग है। इसमें कहा गया कि ये सभी जानकारी सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे देश के अलगाववाद की भावना के विरुद्ध एकजुटता का प्रदर्शन करें। क्वेश्चन नंबर 10वां, रूस के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किसी देश का प्रधानमंत्री चुना गया? ऑप्शन है मिखाइल वी मिस्टिन, जॉर्ज एल्बर्ट कोइस्तान, जेनेट मैक्सिम, वी एस विलियम। तो इसका सही जवाब है मिखाइल वी मिस्टिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिखाइल वी मिस्टिन को देश का नया प्रधानमंत्री चुना। पूर्व प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव के इस्तीफे के बाद पुतिन ने मिस्टिन का नाम ही सुझाया था। मिस्टिन रूस के टैक्स विभाग के प्रमुख के पद पर कार्यरत रहे। यहाँ हम देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट देश का प्रधानमंत्री बन रहा है। पुतिन द्वारा संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था जिसके बाद दिमित्री मेदवेदेव ने कैबिनेट सहित इस्तीफा दे दिया था, वो भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कहने पर। तो ये दोस्तों, ये हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स का ऑडियो सेशन। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।